स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का भाग दूजा वा इकोनॉमिक्स पार्ट क्लास दसवीं का। अज असी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ने उन्होंने डिस्कस कर लगे इस सैशन के। सैशन शुरू करने तो पहला जेडे स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो उन्होंने सबसक्राइब करो, जस्ट वेट फॉर ब्राइट फ्यूचर, तो शेयर करो दूसरे नाल ता जो की आ तुसी जेडी अपनी नॉलेज आ वो किसी होर नाल भी शेयर कर सको। स्टार्ट करते हैं अज्ज दे सैशन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। असी पहले पार्ट के जोड़े वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से डिस्कस कर चुके हैं। जोड़े बच्चे ने यदा फस्ट पार्ट नहीं देखा होएगा मैं वह लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूँगा तो तुम वो जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन आंसर। पहला है आधार संरचना तो तुहाडा की भाव है अते इसकी की लोड है। आधार संरचना, आधार संरचना तो भाव उन्होंने सहूलतां क्रियावां अते सेवावां तो है जो दूजे खेतरां नूं संचालित अते विकास दे विच सहायक हुंदियां हन। आधार संरचना की लोड, असल दे विच हर देश की आर्थिक विकास लई आधार संरचना का एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसकी काफ़ी प्राप्ति विकास का आधार है। इसकी नाकाफी प्राप्ति विकास का सब तो वड्डी रुकावट है। भी जाने कि आधार संरचना वो हुंदी है जिहदे विच असी की है जेकर किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधार संरचना वधिया नहीं हैगी तो अपने विकास नहीं कर सकती। जेकर वो वधिया वा काफ़ी हद तक विकसित आ तो की आ वधिया डिवेलप करेगा। सैकेंड आ भारत दे विच मुख आधार संरचना दी संरचनावां कीड़ियां कीड़ियां हन वर्णन करो। उत्तर है आर्थिक आधार संरचना तो भाव उस पूंजी स्टाक तो है जो उत्पादन प्रणाली के प्रतक सेवावां प्रदान करता है। दूजे शब्दों के आधार आर्थिक आधार संरचनावां वो सहूलत सेवावां हन जो उत्पादन और वितरण प्रणाली के प्रतक रूप के प्रभावित करदियां हन। सॉरी, इस दे भारत दीआं मुख आधार आधारिक संरचनावां हेठ लिखियां हन, यातायात संचार, बिजली, सिंचाई, मुद्रा पूर्ति, बैंकिंग अते दूजी वित्तीय संस्थावां। ये सारिया आधार संरचनावां ने भारत की इकोनमी की जां तुसीं कहो भारत की अर्थव्यवस्था की। तीजा क्वेश्चन है भारत दे विच यातायात, बिजली शक्ति, सिंचाई संबंधी आर्थिक आधार संरचनावां का संखेप विच वर्णन करो। उत्तर है भारत दे विच मुख तौर पर आवाजाई साधन इस तरह के हैं जिवें रेल, बस, ट्रक, हवाई जहाज अते समुद्री जहाज। आर्थिक आधार संरचनावां विच बिजली शक्ति जां बिजली दी बहुत महत्वपूर्ण थां है। भारत दे विच शक्ति दे तीन मुख साधन हन, ताप बिजली, जल बिजली अते परमाणु बिजली। सिंचाई दी आर्थिक आधारिक संरचनावां दा मुख साधन है। भूमि नूं बनावटी साधनां द्वारा पाणी देण नूं ही सिंचाई कहिंदे हन। खेती विच पानी दो तरह नाल मिलता है, वर्खा द्वारा, बनावटी साधना द्वारा जिवें खूह, ट्यूबवैल, तालाब, नहरां आदि द्वारा। चौथा क्वेश्चन आ भारत दे विच मुख मौद्रिक संस्थावां कीड़ियां हन। भारत दे विच मुख मौद्रिक संस्थावां हेठ लिखियां हन, शाहूकार, ये बहुत ज़्यादा ब्याज लैंदे हन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। व्यापारक बैंक, ये बैंक आम तौर पर घट समय का कर्जा देंदे हन। विशिष्ट बैंक बैंकिंग संस्थावां भारत दे विच उद्योगिक विकास बैंक, पेंडू खेतरी बैंक, निर्यात आयात बैंक आदि खास बैंकिंग संस्थावां हन। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थावां भारत दे विच मुख तौर पर बैंकिंग संस्थावां यूनिटेड ट्रस्ट अते जीवन बीमा निगम हन। स्टाक एक्सचेंज, ये वो संस्थावां हन जिथे कंपनियां दे शेयर जां डिवेंचर्स खरीदे अते बेचे जांदे हन। पंजवां क्वेश्चन आ उपभोक्ता का शोषण तो की भाव है। उपभोक्ता संरक्षण के मुख्य उपा दसो। उपभोक्ता का शोषण, उपभोक्ता के शोषण तो भाव उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादकता के अनुकूल व्यापारिक व्यवहार के फलस्वरूप होने वाला शोषण। उत्पादक उपभोक्तावान के कई तरह नाल शोषण करते हैं जिमें उत्पादक के गुण के विषय में झूठिया सूचनावान देना, मिलावट करना, घट वजन ज गलत माप की वरतों करना आदि। उपभोक्ता संरक्षण के मुख्य उपा एकाधिकार प्रतिबंधिक व्यापार व्यवहार एक्ट 1969। भारत के बड़े उद्योगिक व्यापारिक समूह के उपभोक्तावान छोटे
संरक्षण देने 1969 दे विच ए एक्ट लागू किया गया। दूजा है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986, उपभोक्ता का सब पद्धर के उत्पादक तो संरक्षण करने के लिए 1986 उपभोक्ता संरक्षण एक्ट पास किया गया। ये एक्ट 1987 लागू किया गया है। इस विच उपभोक्तावां दी शिकायतों घट खर्च अते जल्दी निपटारण लई जिला राज अते राष्ट्रीय पद्धर के उपभोक्तावां निर्माण फोरम स्थापित किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैशन इज सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो की भाव है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वर्णन की स्थिति का वर्णन करो। उत्तर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार देश की जनता विशेष रूप दे विच गरीब श्रेणी नू उच्च कीमतों ते दुकाना द्वारा जीवन दियां जरूरी वस्तुआं जिवें अनाज खंड मिट्टी का तेल मोटे कपड़े आदि की रवायती कीमतों उपर निश्चित मात्रा विच वंड करती है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दे तीन मुख अंग हन। पहला है न्यूनतम कीमतों ते वसूली। साल 1988 दे सरकार ने 140 लाख टन अनाज की वसूली निर्धारित कीमतों ते कीती सी। साल 2009 दे विच वसूली बढ़ के 431 लाख टन हो गई। दूजा है बफर स्टॉक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दूजा ढंग सरकार द्वारा अनाज खंड आदि जरूरी वस्तुओं का स्टाक रखना है। इस स्टाक नूं बफर स्टॉक कहा जाता है। तीजा है उचित मुल दियां दुकानां। सरकार जरूरी वस्तुओं की घट कीमत ते राशन कार्ड राही वंडन दे लगभग 4.6 लाख उच्च मुल दियां दुकानां खोलियां हन। इह सीगा अज दा सैशन जिहदे विच असीं भारत दे आधारिक संरचनावां बारे पढ़िया। आई होप तुहानूं इह सैशन वधिया लग्गिया होगा। असीं इह सैशन दो पार्ट्स दे विच ही कवर कर लिया वा ते तुसीं इहनां नूं कॉपी दे उत्ते एज़ इट इज़ ही लिख लैणा वा ते इहनूं लर्न करन दी वी कोशिश करनी है। जेकर इस दे रिलेटड कोई भी प्रॉब्लम आउंदी आ तां मेरे कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखो। तो मेरे चैनल दे विच असीं मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया वी असीं 6 to 10th class दे मेन सबजैक्ट्स नूं कवर कर रहे हाँ। इहदे विच मैं SST दा पंजाबी मीडियम दा सिलेबस जिहड़ा वा ओह इसे वीडियो दे उत्ते जां इसे चैनल दे उत्ते भी कवर कर रहा वा। इंग्लिश दे विच भी तुहानूं SST दी वीडियोस इसे चैनल दे उत्ते मिल जाणगीआं। तां इस चैनल जरूर सबसक्राइब करो, शेयर करो ते वध तों वध मेरे चैनल नाल जुड़ो। थैंक्स लॉट वॉचिंग फॉर माई सैशन एंड शेयर दिस सैशन विद अदर। थैंक्स लॉट।